गुड मॉर्निंग किड्स, आज हम इंग्लिश रीडर में पढ़ेंगे पोएम 1-2। कल शायद वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं हो पाई थी, इसलिए आज एक बार और रिवीजन करेंगे। आज इंग्लिश में पोएम है 1-2। 1-2 बकल माई शू, 1-2 यानी शूज़ को मेरे बांधो। 3-4 नॉक एट द डोर, 3-4 यानी दरवाज़ा, नॉक एट द डोर यानी दरवाज़ा खटखटाओ। 5-6 पिकअप द स्टिक्स, स्टिक्स यानी डंडियों को उठा लो। 7-8 ले देम स्ट्रेट, 7-8 मतलब ले देम मतलब उसे रख लो सीधे। 9-10 अ बिग फैट हैन, 9-10 का मतलब एक बड़ी मुर्गी। तो पोएम में एक बार और रिपीट करेंगे। 1-2 बकल माई शू, 3-4 नॉक एट द डोर, 5-6 पिक अप द स्टिक्स, 7-8 ले देम स्ट्रेट, 9-10 अ बिग फैट हैन। हिंदी में कल मैंने आपको रंगों के नाम लिए थे, एक बार और रिविजन करेंगे सर। लौ से लाल, कौ से काला, नौ से नीला, भौ से भूरा, हौ से हरा, नौ से नारंगी, गौ से गुलाबी, बौ से बैंगनी, सौ से सफ़ेद, भौ से पीला। आज हम आप कंप्यूटर में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे मेरी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऐसे कंप्यूटर के भी पार्ट्स होते हैं। MONITOR मॉनिटर, CPU कीबोर्ड, KEYBOARD कीबोर्ड, MOUSE माउस, प्रिंटर PRINTER प्रिंटर, SPEAKER स्पीकर। अब आज पहले पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविज़न स्क्रीन, जो मॉनिटर होता है टेलीविज़न स्क्रीन की तरह होता है, जैसा कि हमारा टेलीविज़न होता है जिसमें हम पिक्चर देखते हैं। इट डिस्प्लेस व्हाट वी आर डूइंग ऑन द कंप्यूटर, वह सारी चीज़ें दिखाता है जो भी हम कंप्यूटर में करते हैं। CPU होता है, द ब्लैक बॉक्स इज नोन एज CPU, जो ब्लैक बॉक्स होता है उसे हम CPU कहते हैं। CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है। द CPU कंट्रोल्स ऑल अदर पार्ट्स, CPU कंट्रोल करता है सारे पार्ट्स को कंप्यूटर के, और वर्क टुगेदर, उसे साथ काम करने में मदद करता है। मेक्स देम वर्क टुगेदर, और मेक्स देम उसमें यानी वो साथ मिलके काम करता है सारे पार्ट्स के साथ। ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू CPU, सारे पार्ट्स जो भी कंप्यूटर के कनेक्टेड वो CPU से कनेक्टेड होते हैं। CPU इज ए स्टोर ऑफ द कंप्यूटर, CPU कंप्यूटर का स्टोर है। CPU का फुल फॉर्म है सी फॉर सेंट्रल, CENTRAL सेंट्रल, PROCESSING प्रोसेसिंग, UNIT यूनिट। कीबोर्ड, KEYBOARD कीबोर्ड है। इट इज़ मेड ऑफ सेवरल स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज, इसमें क्या होता है बहुत सारे छोटे बटन्स होते हैं, जैसे मोबाइल में होते हैं की टाइपिंग के बटन्स, वैसे ही होते हैं। यू कैन ईजिली टाइप एनी अल्फ़ाबेट और नंबर यूजिंग ए कीबोर्ड, आप आसानी से कोई भी अल्फ़ाबेट और नंबर टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड का यूज़ करते हुए। माउस, द माउस ऑफ ए कंप्यूटर कैन नॉट रन एंड ईट, जो कंप्यूटर का माउस होता है ना तो दौड़ सकता है ना खा सकता है। इट हैज़ ए लॉन्ग टेल, इसकी लंबी पूंछ होती है। इट हैज़ टू और मोर बटन, इसके दो और दो से ज़्यादा बटन्स होते हैं। इट हेल्प अस ड्रॉ पिक्चर्स एंड पॉइंट एट थिंग्स ऑन ए कंप्यूटर मॉनिटर, ये हमें पिक्चर ड्रॉ करने में हेल्प करता है, और पॉइंट एंड थिंग्स ऑन ए कंप्यूटर, और कोई भी चीज़ जो होती है उसे पॉइंट करके कंप्यूटर पर दिखाता है। इसका एरो इस तरीके से होता है कंप्यूटर पर, इस तरीके से एरो शो करता है। स्पीकर, अ स्पीकर इज यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक एंड वॉइस, स्पीकर होता है म्यूजिक सुनने के लिए और कोई भी आवाज़ सुनने के लिए जो रिकॉर्ड होती है। टू स्पीकर आर अटैच्ड टू ए कंप्यूटर, दो स्पीकर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर होता है, यूजिंग अ प्रिंटर यू कैन टेक अ कॉपी ऑन पेपर ऑफ वट एवर यू सी ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर, जो भी आप कंप्यूटर मॉनिटर पे जो भी आप जिस चीज़ की भी पिक्चर लेने जाते हैं उसे प्रिंटर निकाल लेता है। दिस कॉपी ऑन पेपर
इज कॉल्ड ए प्रिंट आउट। इसकी कॉपी जो पेपर पर होती है उसे कहते हैं प्रिंट आउट। ये थे प्रिंटर। और कल हमने जी के इसके में आपको कुछ स्पीकर और मॉनिटर की पिक्चर्स दिखाती हूँ, तब आप जान पाएंगे कि कौन क्या क्या चीज़ें हैं। ये होती है कंप्यूटर की स्क्रीन, इसे मॉनिटर कहते हैं। ये हो गया आपका मॉनिटर, ये है मॉनिटर, ये है आपका सीपीयू बॉक्स, ये आपका सीपीयू बॉक्स ब्लैक कलर का। ये सीपीयू बॉक्स, ठीक है। और दिस इज ए, ये कीबोर्ड, के ई वाई बी ओ आर डी, ये कीबोर्ड है आपका। इसमें बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं, इसे कहते हैं कीबोर्ड। और दिस इज माउस, ये है आपका माउस, चूहे की तरह होता है इसलिए इसको माउस कहते हैं। और ये स्पीकर्स, ये आपके स्पीकर्स, ये स्पीकर्स। और ये है प्रिंटर, पी आर आई एन टी ई आर, प्रिंटर, ये प्रिंटर जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते। तो ये कंप्यूटर में पिक्चर्स थी जो आप, मैंने आपको दिखाई। आज कल हमने जीके में करे थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सी एल ए आर आई एन ई टी, कैलनेट, ये कैलनेट है। एफ एल यू टी, फ्लूट, बांसुरी, ढोलक, डी एच ओ एल ए के, ढोलक, ये ढोलक है। जी यू आई टी ए आर, गिटार, वी आई ओ एल आई एन, वॉयलन, सितार, एस आई टी ए आर, सितार, टी ए बी एल ए, तबला, हारमोनियम, एच ए आर एम ओ एन आई यू एम, हारमोनियम। तो फिर से इनको आपको आज इसको सिर्फ लर्न करिए, और कंप्यूटर में आज आपका बहुत फर्क है तो उसको आप अच्छे से लर्न और राइट कीजिए। थैंक यू।